प्रधानमंत्री आवास योजना, अंधेर नगरी चौपट राजा, इंजीनियर और कर्मचारियों की मिले भगत से पीएम आवास योजना के नाम पर व्यापक भ्रष्टाचारी, मकान की जगह दुकान बनवा रहे हैं नगर पंचायत के अधिकारी। मामला पांडा तराई, नगर पंचायत पीएम आवास के पैसे से दुकान बना रहे हैं पीएम आवास योजना के लाभार्थी। बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब निर्धन तबकों को पक्का मकान बनाने के लिए 2,26,000 रुपए की राशि आवंटित की जाती है, जिसमें 1,50,000 रुपए केंद्रांश और 76,000 राज्यांश की राशि अनुदान की जाती है। आवास के लिए स्वीकृति पात्र हितग्राहियों का निकाय के द्वारा एक टीम बनाकर नाम पूरे दस्तावेज के साथ DPR बनाकर पात्र हितग्राहियों की सर्वे सूची भेजा जाता है, लेकिन नगर पंचायत पांडा तराई में कई धनाढ्य परिवार आवास की राशि लेकर घर की जगह व्यवसायिक दुकान बना रहे हैं। मीडिया के द्वारा पीएम आवास के नाम पर विभागीय इंजीनियर एवं कर्मचारियों की घोर अनियमितता की जानकारी लेने पहुंचे तो संबंधित जिम्मेवार अधिकारी नगर पंचायत सीएमओ के द्वारा गोलमाल जवाब देते हुए पल्ले झाड़ने लगे और उन्हें इस घोर लापरवाही पर जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। वहीं पंडरिया SDM दिले राम डाहिरे ने कहा कि संबंधित विभाग की घोर लापरवाही पर तत्काल जांच कमेटी गठित कर जांच की जाएगी। योजना में अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित विभाग एवं हितग्राहियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए रिकवरी की कार्रवाई भी की जाएगी। तो वहाँ मकान की लक्ष्य पे वो दुकान संचालित कर रहे हैं सर, दुकान बनाए कैसे परमिशन मिलेंगे उनको? नहीं, दुकान बनाने के लिए परमिशन मिल ही नहीं सकती, मकान बनाने के बाद दुकान उकान। तो ये लापरवाही इंजीनियर का सत्यापन किया गया, मूल्यांकन सत्यापन फाइनल होने के बाद में अगर कोई दुकान खुलता है तो उसका अपन कैसे? तो अभी तक क्या कार्रवाई ऐसे लोगों के लिए? नहीं, शिकायत तो खैर ऐसे लोगों को प्राप्त नहीं हुई है। अगर आपके ध्यान में कोई शिकायत प्राप्त होती तो रिकवरी का चलाएंगे सर कार्रवाई, अगर नियम से जो नियम में होगा प्रावधान उसके अनुसार से कार्रवाई। कवर्धा से PD मलिकपुरी की रिपोर्ट, बस देखते रहिए CD Vision TV।